भरतपुर के नदबई पुलिस थाने में एसीबी टीम ने हेड कांस्टेबल को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया और इससे पहले एडिशनल एसपी अशोक चौहान ने मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन साबित होने पर एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल मोहन सिंह से रिश्वत की राशि बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने ग्रामारपीट के मामले में नाम हटाने की एवज में परिवादी मोहन सिंह से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में 8,000 रुपए में मामला तय किया गया। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। परिवादी मोहन सिंह ने एक रिपोर्ट दी कि उसके खिलाफ एक क्रॉस मुकदमा प्लस एक उसने भी करा रखा है, दो मुकदमे दर्ज हैं। उसमें आईओ मोहन सिंह हेड कांस्टेबल नाम निकालने के एवज में 10,000 रुपये मांग रहा है। सत्यापन कराया गया कल, सत्यापन सही पाया गया, 8,000 रुपये में सौदा तय हुआ और आज उसको 8,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों।